हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी रिमोट को बिना सेलो के चलते हुए देखा है? क्या नहीं, तो चलिए आज देखते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसा रिमोट जो कि बिना सेलो के चलेगा। इसे बनाने के लिए हम काम में लेंगे एक लिथियम आयन बैटरी जो कि मोबाइल फोन में काम आती है। इसकी खास बात ये रहेगी कि ये एक बार चार्ज करने के बाद लगभग 5 महीने आराम से चल जाएगी और इसे आप रिचार्ज भी कर सकते हो। इसे बनाने के लिए हम काम में लेंगे रिमोट और एक बैटरी। इस बैटरी को इस रिमोट के अंदर डालेंगे और फिर चलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हम काम में लेंगे खाली रिमोट और एक लिथियम आयन बैटरी। ये देखिए, इस रिमोट की हमने बैटरी पहले से निकाल रखी है, तो चलिए इसे खोलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इस रिमोट को खोल लिया है और अब इसमें इस बैटरी को लगाएंगे। इस बैटरी को लगाने के लिए इसके तारों को कनेक्शन कर लिए हमने पहले से ही। इसे आप टेप से चिपका सकते हैं, हमारे पास सोल्डर था इसलिए हमने इसके तारों को कनेक्ट कर लिया है सोल्डर से। तो अब हम इस रिमोट को के अंदर इस बैटरी को डालेंगे। इस बैटरी को डालने के लिए इसके पहले इसके अंदर जगह बनाएंगे जिससे बैटरी इसके अंदर आराम से आ जाए। इसे बनाने के लिए हम इसे पहले तोड़ते हैं। इसे तोड़ने के लिए हम काम में लेंगे एक प्लास, तो चलिए इसे तोड़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसे तोड़ लिया है। अब इसके अंदर इस बैटरी को रख के देखते हैं। ये देखिए, ये एकदम इसके अंदर पूरी तरह से आ चुकी है। अब हम इसके तारों को कनेक्शन करेंगे। इसे लगाने से पहले हम इसके ऊपर टेप लगा लेते हैं जिससे इसके तार हटे नहीं। चलिए लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसके चारों तरफ टेप लगा ली। अब इसके इसके अंदर रख के इसके तारों में कनेक्शन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इस बैटरी के चारों तरफ टेप लगा ली है। अब इसकी कनेक्शन इस रिमोट की प्लेट के साथ करेंगे। इस प्लेट के साथ कनेक्शन करते वक्त एक प्लस और माइनस का बेहद ही खास ध्यान रखना है, तो चलिए करते हैं। ये बैटरी का प्लस वाला टर्मिनल है, ये बैटरी का माइनस वाला टर्मिनल है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर प्लस और माइनस चिन्ह बने हुए हैं, तो इसके प्लस से प्लस कनेक्ट करना है और माइनस से माइनस को कनेक्ट करना है। तो चलिए करते हैं इसे। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसके दोनों तारों कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसे इस बोर्ड के अंदर लगाते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हम ये हमारी टीवी है, तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। तो देखिए, ये ऑफ हो गई, ये वापस से ऑन हो गई। ये इसकी आवाज़ बढ़ गई, बोलते जाओ, ये वापस से कम हो गई। ये देखिए, ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और आप ऐसे ही अपने घर पर भी और चीज़ों के रिमोट बना सकते हैं जिसकी बैटरी बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलेगी और बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होगी। आपको बार बार रुपये खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर पर वैसे बहुत सारे फ़ोन की बैटरी बेकार पड़ी रहती है, तो आप ऐसी और भी बहुत चीज़ें बना सकते हैं। थैंक यू।